पोटू, तुम दोनों को मैंने स्पेशल ड्यूटी पर भेजा है। एटीएम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो मॉडर्न सिटी के सबसे बड़े बैंक का एटीएम है। इज्जत का सवाल है। डोंट वरी चिंगम सर, डोंट वरी। मोटू पतलू के रहते कोई भी चोर एटीएम को छू भी नहीं सकता। हाँ, क्या दिन आ गए हैं मोटू पतलू। अब फुरफुरी नगर को छोड़कर मॉडर्न सिटी में भी हमारे प्लान को बिगाड़ने आ गए हैं। जॉन, तुम चिंता मत करो, मोटू पतलू को मैं संभाल लूंगा। फिर तो हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। नंबर वन, नंबर टू, स्टार्ट आवर मिशन। ओके बॉस। ये तो फूल भूली नगल के मोटू पतलू है। हाँ हाँ, ये तो वही है। इनका गाना भी तो है, मोटू पतलू की जोड़ी। बड़े भैया, आप लोग तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। पराये शहर में आपने हमें मान दिया, सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं मोटू पतलू, आप तो हमारे आइडल हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं प्लीज? अपना काम बन जाएगा। एटीएम चोरी हो गया है, पीछा करो। वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अगर पैदल दौड़ते रहे तो हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे। अरे ये तो जॉन है, वो तो स्पीड में है। तेज और तेज। वो लोग तो एटीएम मशीन को उड़ा कर ले गए। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया, तुम्हें ड्यूटी पर लगाया और तुमने मेरा भरोसा को चकनाचूर कर दिया, मेरा नाक कटवा दिया। सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। उन चोरों ने हमें उल्लू बनाकर एटीएम को लूटा है। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि चोर और कोई नहीं, जॉन द जॉन है। चोरी करने जॉन यहाँ भी पहुँच गए। बस स्टैंड के पास वाला एटीएम में चोरी हुआ है। वाईपीआर जिंगम इज हियर, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर झटका, जल्दी चलो। चिंगम सर, वो रहे एटीएम चोर। स्टॉप स्टॉप, इतने में फ्लॉ। चिंगम के चंगुल से बचना यह इम्पॉसिबल है, बोले तो यह इम्पॉसिबल है। हम अपना 20 साल के तजुर्बा में पहली बार चोरी करने का ऐसा तरीका देखा है। चिंगम सर, हम उनसे पहले उड़कर उस बिल्डिंग पर पहुंचकर उनको सरप्राइज कर देंगे। जॉन बिल्डिंग पर ही जाएगा, जैसे ही वो बिल्डिंग पर पहुंचेगा हम उनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ चलो। मेरे भाई, मेरी यार एटीएम उड़ नहीं रहा, वो ट्रक में जा रहा है यारी। अरे हाँ, नीचे देखो, उस ट्रक में जॉन एटीएम मशीन लेकर भाग रहा है। अरे वाह मोटू, तुमने एक बार फिर एटीएम चोरी करवा दिया। हम इधर लकीर पीटते रह गए और सांप उधर से भाग गया। चिंगम सर, हमें सांप को नहीं जॉन को पकड़ना है, जॉन को।
अरे मोटू चिंगम सर भी जॉन के बारे में ही कह रहे हैं कि जॉन को ही पकड़ना है। एक कहावत कही है। सॉरी चिंगम सर, मुझे लगा था कि पिछली बार की तरह अब की बार भी जॉन यही आएगा। उसने अपना प्लान चेंज कर दिया तो मैं क्या करूं? पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अब तुम ही कुछ सोचो। ब्रेकिंग न्यूज, एक एक करके बॉर्डन सिटी के सारे एटीएम खाली हो चुके हैं क्योंकि एटीएम थीफ गैंग ने एक भी एटीएम नहीं छोड़ा। बैंक चोरों के डर से अपने किसी भी एटीएम में रिफिलिंग नहीं करवा रहे हैं। बॉर्डन सिटी के सिर्फ एक एटीएम में ही रुपए बचे हैं। जब हमने सारे एटीएम खाली कर दिए हैं, तो इस इकलौते एटीएम को भी क्यों छोड़े? वाइने सर, चलो उसको भी सफा चट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपका अब तक का सारा बकाया करोड़ चुकता कर दूंगा। ये क्या माजरा है? एटीएम के बाहर ना कोई पुलिस ना कोई पहरा है। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, प्लान के मुताबिक काम शुरू करो। पकड़ो पकड़ो उसे, मेरा पर्स चोरी करके भाग रहा है। मुझे रुक जाओ, हमारा प्लान खुल जाएगा। रुक जाओ, छोड़ो उसका पर्स, छोड़ो। चोर जॉन रुक जाओ, मैं तुम्हें एटीएम लूटने नहीं दूंगा। वैसे सर ये हमें रुकेगा। मैडम जी सॉरी, मुझे एटीएम बचाना है। मोटू ये तो मैं हूँ और ये नंबर दो है। ये सब तो बॉस का शैतानी प्लान था तुम्हें एटीएम से हटाने के लिए। अब तक तो एटीएम भी हाथ से जा चुका होगा, उसको बचाओ। बाय बाय। क्या मुझे उल्लू बनाया? Yeah.
बचाओ बचा लो प्लीज, बचाओ मुझे बचाओ, अपने पैसे तो लेते जाओ। अरे मैं जॉन, यू आर अंडर अरेस्ट। ये पैसे तुमने कमाए नहीं है, चुराए हैं, किसी को भी बांट दोगे क्या? चिंगम सर, अब की बार जॉन को कड़ी से कड़ी सजा देना, नहीं तो ये फुरफुरी नगर वालों का नाम मॉडर्न सिटी में भी बदनाम कर देगा। मैं इसे इसी एटीएम में ही कैद करके रखूंगा। हमारा धंधा पानी चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोटू को जब देखो तब समोसे खाकर हमारी पिटाई करता रहता है। मैं मोटू का समोसा खाना ही बंद करवा दूंगा। सुनो मेरा प्लान सुनो। चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो हो, जल्दी। पर क्या बात है चाय वाले भैया, आज तुम्हारे समोसों की खुशबू ही नहीं आ रही है। खबरदार, मेरे समोसों के बारे में कुछ कहा तो, एकदम ताजा मसाला भरकर समोसे बना रहा हूँ, खुशबू कैसे नहीं आई होगी। लगता है तुम्हें जुकाम हुआ है मोटू, लो समोसे खा लो। हाँ मोटू, सही कह रहे हो, हमें भी समोसों की खुशबू नहीं आई। समोसों की बढ़िया सी खुशबू तो कहीं और से आ रही है। खुशबू समोसे, मजा आ गया। इन समोसों में मेरी फेवरेट खुशबू थी। समोसों में आलू और खुशबू ना हो तो समोसे किस काम के। बड़े भैया, आज से मैं तुम्हारा परमानेंट ग्राहक हूँ। शुक्रिया सर, आप ही की दुकान है, जब जहाँ बोले समोसे पहुँचा दूंगा। Hey John, stop with the name of law. चिंगम के चंगुल से बचना ये impossible, बोले तो ये impossible। हम भी तुम्हारे स्वागत में खड़े हैं John। John बनेगा John, John बनेगा John। मेरे स्वागत के लिए पूरी मंडली जमा है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे पकड़ लो। अगर जॉन से लड़ने की हिम्मत है तो आ जाओ, मैं भागूंगा नहीं। आ जाओ। इस फाइट में कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना चाहते हो तो आ जाओ जॉन। हम वो नहीं जो डर जाए ऐसी छोटी मोटी बातों से पीछे हट जाए। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। थैंक यू। जॉन सामने आ जाओ। जॉन कहना, दुनिया में सिर्फ मेरा नाम ही जॉन नहीं, एक और जॉन है। मेरे नाम में सिंगल जी है, उसके नाम में डबल जे। मार सुटिया पापड़ वाले नो, ये है डबल जे जॉन, ये तो सचमुच डबल है यारी। कोई बात नहीं मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। समोसे वाले, बैंक पर समोसे ले आओ जल्दी। खुशबू मोटू, ये लो समोसे। आ जाओ डबल जे जॉन। उठो, उठा मोटू। अरे ये क्या हुआ, तुम
समोसे खाकर भी उसको मार क्यों नहीं पाए? पता नहीं पतलू, नींद सी आ रही है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओके। मोटू मेरे भाई, मेरी यार, तुमने इतने सारे समोसे खाए फिर भी तुम डबल जे जॉन को एक पंच भी नहीं मार पाए यार। मुझे नहीं पता बड़े भैया, मुझे सुस्ती सी आ रही है, नींद आ रही है। अरे सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो और क्या होगा मोटू? देखो मोटू, समोसे देखकर तुम्हारा मन पल में एकदम ललचाने लगता है। जरूरत से ज्यादा समोसे खाओगे तो ऐसा ही होगा ना? अरे मोटू, अगली बार समोसे खाने के लिए खाना, पेट भरने के लिए नहीं। ओके। हेलो चिंगम सर, मैं जॉन द डॉन बोल रहा हूँ। मैंने लोटपोट विद्यालय के बच्चों और टीचरों को हॉस्टेज बना लिया है। अगर उनको बचाना है तो मुझे पूरे 50 लाख रुपए लेकर दे दो, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानते हो ना? जॉन, तुम्हें कानून की कसम, खुद को कानून के हवाले कर दो। सॉरी चिंगम सर, अभी मेरा सरेंडर करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आ जाओ, किस मेहमान से आ जाओ, जॉन से टक्कर लेगा कौन? ठीक है, मैं करूँगा फाइट, लेकिन फाइट किससे करनी है? उस डबल जे वाले जॉन से कि तुमसे? मोटू, तुम कितने समझदार हो, उसी डबल जे वाले जॉन से। नहीं नहीं, मुझे नहीं लड़ना चिंगम सर, सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे मोटू, इसमें डरने वाली क्या बात है? समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। एक मिनट, हेलो समोसे वाले, जल्दी से ब्राइट स्कूल पर समोसे ले आओ, जल्दी। आ जाओ, इसको पीटना है, आ जाओ। क्या क्या समोसे खाते ही फिर से मोटू को नींद आने लगी। मोटू तो गया। चिंगम सर, आप भी जाओ और 50 लाख का इंतजाम करके आओ, तब मैं सबको छोड़ूंगा। मुझे तो उस नई दुकान के समोसों में ही कुछ प्रॉब्लम लगती है, ये समोसे की समस्या को सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो भैया, सामने वाली दुकान के समोसों में कुछ गड़बड़ है। मोटू जब भी उसके समोसे खाता है तो ताकत की जगह उसे सुस्ती और नींद आ जाती है। तुम्हारे समोसों में आजकल खुशबू क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं भैया क्या हो गया है, जब मैं समोसे तलता हूँ तब तक तो महक आती है, पर पल में न जाने कहाँ उड़ जाती है। ऐसी बात है तो तुम अभी समोसे बनाओ, अब तो समोसे की समस्या का हल उसकी खुशबू से ही निकलेगा। तो ये है समोसों की खुशबू की हेरा फेरी का चक्कर। मोटू इधर आना, ये देखो मोटू, यहाँ समोसों की खुशबू की चोरी हो रही है। क्या मेरे समोसों से तुम दोनों ने खिलवाड़ किया? अब आया मोटू असली फॉर्म में। बड़े भैया, अब तो मैं सिंगल जे जॉन और डबल जे जॉन दोनों को नानी याद दिला दूंगा। आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस बस, हमें छुपाओ। आओ आओ, फिर से मार खाने आ गए, लगता है पिछली बार मार खा के पेट नहीं भरा। जॉन,
अब तो मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया है कि मैं सिंगल जे जॉन और डबल जे जॉन दोनों को ठीक कर सकता हूँ। आ जाओ। जॉन, मोटू समोसे खाकर इतना पावरफुल बन जाता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा क्या हाल कर दिया है उसने? पहले बता देता तो तुम यहाँ आते क्या?